नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र दोनों का चित्र बनाना और इनका अंतर समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोनों को हम एक साथ बनाएंगे। तो देखो, सबसे पहले बनाएंगे हम इसमें एक आयताकार सं आर्मेचर बनाएंगे। सबसे पहले इसका इसी प्रकार इसका बना दो। दोनों के पास चुंबक बना दो। एस और एन, इस पर भी एस एन लिख दो। इनके बीच में एक डॉट लाइन बना देंगे दोनों में, ऐसे इसमें बना देंगे, इसको इस प्रकार से एक ऊपर चिन्ह बना देंगे आर्मेचर के। ये घूमने की दिशा के दिशा को बता रहा है इसमें। अब अंतर कहाँ पर है दोनों में ये देखना है हमें। तो दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा जो जनित्र होता है उसमें होती है गोलाकार रिंग्स, दो रिंग पाई जाती है इसमें, जिसको बोलते हैं सर्पी वलय। सर्पी वलय, और इनसे जुड़े रहते हैं ब्रुश B1 और B2, और ये जुड़े रहते हैं बाहरी परिपथ से जो किसी भी लोड से जुड़ा रहता है। अब आता है इसमें प्रतिदिष्ट धारा जनित्र में क्या होता है। इसमें रिंग की जगह, सर्पी वाले की जगह इसमें होती है ये भक्त वाले। ये भक्त वाले का मतलब कि एक जो गोलाकार संरचना उसमें से इसके दो भाग कर देंगे, इसलिए इसको विभक्त वलय कहते हैं। ये तो पूरी गोल पर बीच में से कटी हुई है। अब इसके दोनों तरफ ब्रुश B1 और B2, B1 और B2, इनको भी लोड से जोड़ दो। अब इनका नामकरण कर देते हैं हम। इसमें क्या क्या नाम लिखना है, इसमें इसको लिखेंगे आर्मेचर, इसमें भी लिखेंगे आर्मेचर, क्षेत्र चुंबक, इनको लिखेंगे विभक्त वाले, विभक्त वाले, ये ब्रूस B1 और B2 तो लिखी गई हमने इसमें। और ये अपना प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र का चित्र पूरा किया। दोनों में क्या अंतर है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में पाया जाता है सर्पी वाले और दिष्ट धारा जनित्र में पाया जाता है विभक्त वलय। इनसे होता क्या है, दोनों से प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जब चुंबकों के बीच में चक्कर लगाता है, यानी इनका आर्मेचर जब चक्कर लगाता है, तो इनकी धारा की दिशा कभी नहीं बदलेगी। यानी जैसे ये B1+ है तो हमेशा प्लस ही प्लस रहेगा, और ये माइनस है तो माइनस रहेगा, परंतु आधे चक्कर बाद इसकी दिशा हो जाएगी माइनस B1 की और इसकी हो जाएगी प्लस। तो एक तरह से प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में धारा की दिशा बार बार बदलती रहती है।
आधे चक्कर में बी वन प्लस और आधे चक्कर में बी वन माइनस। परंतु दिष्ट धारा जनित्र में विभक्त वलय जो है वो धारा की दिशा को एकदम बदल देता है, जिससे जैसे माना कि बी वन अगर प्लस है और बी टू माइनस है, तो ये हमेशा बी वन माइनस बी वन प्लस ही रहेगा और बी टू माइनस रहेगा। यानी बाहरी परिपथ में धारा की दिशा को एक ही दिशा में बनाए रखने का कार्य करता है विभक्त वलय। तो दोनों में बस इतना सा अंतर है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में सर्पी वलय होता है और दिष्ट धारा जनित्र में विभक्त वलय होता है। अब देखते हैं इसमें प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में क्या अंतर है। तो प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं? वह धारा जो समय के साथ अपनी दिशा बदलती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाएगी। और दिष्ट धारा जो समय के साथ अपनी दिशा नहीं बदलती, वह दिष्ट धारा कहलाती है। इसको एक ग्राफ द्वारा समझ सकते हैं हम। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? इस प्रकार का दिष्ट धारा का ग्राफ आएगा बिल्कुल समांतर रेखा, यानी इसकी दिशा जो है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की दिशा समय के साथ बदलती है, परंतु दिष्ट धारा की दिशा समय के साथ नहीं बदलती। चलिए इसके बाद हम कुछ प्रश्न करते हैं। जैसे दोस्तों पहला क्वेश्चन, इसमें कंप्यूटेटर या विभक्त वलय का उपयोग किसमें होता है? तो विभक्त वलय कंप्यूटेटर का उपयोग होगा दिष्ट धारा जनित्र में। दूसरा क्वेश्चन है, किस धारा की दिशा समय के साथ नहीं बदलती? तो कौन सी धारा है? दिष्ट धारा की दिशा समय के साथ नहीं बदलती।